आज हम करने जा रहे हैं एक वेडिंग स्पेशल डिश। शादियों में ये ट्रेडिशनली बनती है, विच इज कॉल्ड निजामी दम चिकन। मैंने होल चिकन ले लिया है। इसे क्लीन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप, इसको कम से कम 10 मिनट तक नमक के पानी में या विनेगर के पानी में इसको छोड़ दीजिए चिकन को, और 10 मिनट के बाद ड्रेन आउट कर लीजिए, सारी इम्प्योरिटीज चिकन की बाहर आ जाएंगी। तो चलिए अब इसको करते हैं मैरिनेट। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच कोई भी रिफाइंड ऑयल जो आप यूज करते हैं, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा पाउडर। इसमें लाल मिर्च हम थोड़ी सी और ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 400 ग्राम्स ऑफ दही। इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच नमक। इसको हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे, चिकन को मसाज देंगे। चिकन मैरिनेट हो चुका है, इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। इसमें हम लेंगे 100 ml देसी घी। चलिए अब कुछ ऐड करते हैं अपने निजामी चिकन में मसाले। इसे मैं कहती हूँ ट्रेजर बॉक्स। एक शेफ के लिए सबसे बढ़िया ट्रेजर बॉक्स यही होता है। मोटी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, स्टार एनीज, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, जावित्री का फूल, 2 साबुत लाल मिर्चें, तेज पत्ता, और साथ में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। हमने जीरा ऐड किया, तेज पत्ता, जावित्री, दालचीनी, 2 साबुत लाल मिर्चें, स्टार एनीज, मोटी इलायची, 2 छोटी इलायची, कुछ लौंग और काली मिर्च। अब इसमें हम ऐड करते हैं चिकन। अब इसको हम पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पे, जब तक चिकन अपना कलर बदल नहीं लेता। ये देखिए, हमने इसे कहते हैं बरिस्ता। प्याज को पतला पतला काट के इसे फ्राई कर लीजिए। हमने लिए हैं 20 से 25 भीगे हुए बादाम, बादामों को भिगो लीजिए। अच्छा, अगर आपको बादाम भी जल्दी भिगोने हैं और छिलका जल्दी उतारना है तो इनको गर्म पानी में भिगोइए। देखिए छिलका एकदम से ऐसे करेंगे और छिलका बाहर आ जाएगा। तो एक और इम्पोर्टेंट टिप मैंने आपसे शेयर की। अब इसमें हम ये डालेंगे बादाम, 1 सिप वाटर, जस्ट 1 सिप, और इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्राइड अनियन, जो बरिस्ता हमने बनाया था। 2 से 3 प्याज ले लीजिए, 2 बड़े साइज के प्याज या 3 मीडियम साइज के, और साथ में हम ऐड करेंगे इसमें कुछ रिचनेस जो है बादाम का, हमने दरदरा पेस्ट बनाया। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए एकदम ग्रेवी थिक और रिच हो गई बादाम डालने से, क्या बढ़िया टेक्सचर, कलर। अब इसको हम 15 मिनट के लिए सिम पे ढक के पकाएंगे। अभी तक मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, जरूरत भी नहीं है अभी। इसमें अब मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप गरम पानी। गरम पानी एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हमेशा प्रोटीन बनाते हुए, कोई भी चिकन मटन कोई भी आप नॉनवेज डिश बना रहे हैं, उसमें हमेशा गर्म पानी ऐड कीजिए। उससे आपकी डिश का कलर, टेक्सचर एंड फ्लेवर तीनों ही बहुत अमेजिंग आएगा। तो ये टिप जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब इसको हम ढक देंगे और इसको सिम पे 15 मिनट के लिए पकाएंगे। चलिए चिकन को चेक करते हैं 15 मिनट बाद उसके क्या रंग रूप है। वाह जी वाह, क्या खुशबू आ रही है, बढ़िया ग्रेवी भी इतनी बढ़िया मस्त तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे इसको और टेस्टी बनाने के लिए। चिकन अच्छे से गल चुका है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का अगर फ्लेवर आपको बढ़िया लाना है तो उसको भून के क्रश करके अपनी डिश में ऐड कीजिए। और साथ में हम ऐड करेंगे कुछ कटा हुआ धनिया और ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच गरम मसाला। अगर आपको गरम मसाला, होम मेड गरम मसाला की रेसिपी देखनी है तो आप हमारे इंडियन कुकबुक चैनल पे देख सकते हैं। चलिए अब इसको हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। इसको ढकेंगे और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। चलिए चेक करते हैं चिकन को। वाह वाह वाह, इतना ही अमेजिंग कलर और टेक्सचर आया है हमारी डिश का। चलिए सर्व करते हैं चिकन को। बहुत ही बढ़िया कलर टेक्सचर आया है हमारी डिश का।
इसको सर्व कीजिए लच्छे पराठे के साथ या क्रिस्पी तंदूरी रोटी के साथ। स्पेशल वेडिंग डिश है ये। ये देखिए इसका रोगन कितना बढ़िया तैयार होके निकला है, क्योंकि ये डिश अच्छे से भूनी गई है, अच्छे से पकाई गई है। हमारी वेडिंग स्पेशल डिश निजामी चिकन बनके बिल्कुल तैयार।